दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 1 + √2 - 2√3 अपॉन में √2 + √3 + √6, इसे हमें सिंपलीफाई करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ देखिए इसे हम e के इक्वल मान लेते हैं। e इज इक्वल टू 1 + √2 - 2√3 अपॉन में √2 + √3 + √6। यहाँ पे देखिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √2 + √3 - √6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपॉन में √2 + √3 - √6। यहाँ देखिए √2 का मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों टर्म में, हमारे पास हो जाएगा √2 + 6 - √6 + √3 का मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों टर्म में, ये हो जाएगा +√3 + 3√6 - 6। अब हम -√6 का मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों टर्म में, ये हो जाएगा -√6 - यहाँ देखिए √2 और √6 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा रूट में 12, इसे हम लिख सकते हैं 2√3। तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 6√3 प्लस, यहाँ देखिए -√6 का -2√ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 6√2 अपॉन में, यहाँ पे देखिए ये a+b इंटू में a-b के फॉर्म में है तो हमारे पास हो जाएगा √2 + √3 का होली स्क्वायर -√6 का होली स्क्वायर। यहाँ देखिए 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, √2 और 6√2 ऐड हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 7√2। यहाँ देखिए -2√6 -√6 और +3√6 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए √3 -6√3 में से माइनस हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा माइनस का 5√3 अपॉन में, यहाँ देखिए a+b के होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 + 3 + 2√6 - 6। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 7√2 - 5√3 अपॉन में 2√6 - 1। अब यहाँ पे देखिए इसका हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं, उसके लिए हम ऊपर नीचे 2√6 + 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2√6 + 1। यहाँ पे देखिए 2√6 का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म में तो ये हमारे पास आ जाएगा 28√3 - 30√2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7√2 - 5√3 अपॉन में, यहाँ पे देखिए a-b इंटू में a+b के फॉर्म में है तो हमारे पास हो जाएगा 24 - 1। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, यहाँ देखिए 28√3 और -5√3 तो ये हो जाएगा 23√3। यहाँ देखिए -30√2 में से +7√2 माइनस होगा तो हमारे पास बच जाएगा 23√2 अपॉन में 23। यहाँ देखिए न्यूमरेटर में से 23 कॉमन लेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा √3 - √2, ये हमारा आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।